नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इमोडियम कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, इमोडियम कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और इमोडियम कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि इमोडियम कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में इमोडियम कैप्सूल को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। इमोडियम कैप्सूल का उपयोग दस्त को रोकने के लिए किया जाता है। दस्त लगने के कारण आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है और डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको तरल खाद्य पदार्थों का सेवन ज्यादा करना चाहिए, या आप इलेक्ट्रोल पाउडर को पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। इमोडियम एक ब्रांड नेम है। इमोडियम कैप्सूल के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन लोप्रामाइड 2 mg होता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि इमोडियम कैप्सूल को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। इमोडियम कैप्सूल को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चों को डॉक्टर आमतौर पर इमोडियम 2 mg कैप्सूल को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं, और 12 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर इमोडियम 2 mg कैप्सूल को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। लेकिन इमोडियम कैप्सूल की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको इमोडियम कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना इमोडियम कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि इमोडियम कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में इमोडियम कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में इमोडियम कैप्सूल की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में ऐंठन, पेट में तेज दर्द होना, सिर दर्द होना, उल्टी आने का मन होना, चक्कर आना और मुँह में सूखापन हो सकता है। इसके अलावा इमोडियम कैप्सूल की वजह से कुछ व्यक्तियों को कब्ज, भूख कम लगना, पेट से गैस निकलना और त्वचा पर रैशेस हो सकते हैं। इमोडियम कैप्सूल की वजह से कुछ व्यक्तियों को नींद अधिक आ सकती है और शरीर में सुस्ती हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इमोडियम कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में इमोडियम कैप्सूल को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। इमोडियम कैप्सूल केवल दस्त को रोकता है। इमोडियम कैप्सूल पेट के इन्फेक्शन को ठीक नहीं करता है। अगर आपको दस्त फूड पॉइजनिंग या किसी इन्फेक्शन की वजह से हुए है, तो आपका डॉक्टर इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपको एंटीबायोटिक दवाइयां लेने की सलाह दे सकता है। अगर आपको दस्त किसी इन्फेक्शन की वजह से हुए है और आप दस्त को रोकने के लिए केवल इमोडियम कैप्सूल को लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर की आंतों में इन्फेक्शन ज्यादा गंभीर हो सकता है, इसलिए इमोडियम कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना इमोडियम कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इमोडियम कैप्सूल को देना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इमोडियम कैप्सूल को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। इमोडियम कैप्सूल को लगातार 2 दिन से अधिक लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर आपके डॉक्टर ने इमोडियम कैप्सूल को लगातार 2 दिन से अधिक लेने की सलाह दी है, तो आप इमोडियम कैप्सूल को लगातार 2 दिन से अधिक ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दस्त किसी एंटीबायोटिक दवा को लेने की वजह से हुए है, तो ऐसी स्थिति में इमोडियम कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक दवा की वजह से दस्त होने पर आपका डॉक्टर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक कैप्सूल लेने की सलाह दे सकता है। पेट की आंतों में अल्सर होने पर और डिसेंट्री होने पर इमोडियम कैप्सूल को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। डिसेंट्री होने पर दस्त के साथ साथ खून या म्यूकस आ सकता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना इमोडियम कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को इमोडियम कैप्सूल या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे लोप्रामाइड आदि से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को इमोडियम कैप्सूल का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं
और स्तनपान करा रही महिलाएं इमोडियम कैप्सूल को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए इमोडियम कैप्सूल का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए इमोडियम कैप्सूल का सेवन करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इमोडियम कैप्सूल माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुँच सकता है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकता है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को इमोडियम कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को इमोडियम कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका इमोडियम कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।